हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे YouTube के एप्लीकेशन में डेटा सेवर को ऑन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे YouTube में डेटा सेवर को ऑन कैसे करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहता है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अगर YouTube में कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो वो जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुल HD में चलने लगता है, 1020p में चलने लगता है। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे अपने रिकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग के थ्रू यहाँ पे चलने लगता है। तो आप लोग अगर डेटा सेवर को ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो की क्वालिटी रहेगी वो यहाँ पे नहीं होगी। आप लोग जो है 240 पे या तो फिर 360 पे यहाँ पे देख पाएंगे किसी भी वीडियो को। ओके, तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में डेटा सेवर को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले YouTube को ओपन करना है और लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग यहाँ पे लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है जिसके वजह से यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा सेविंग करके ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपने फ़ोन में डेटा सेविंग मोड को ऑन कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन पर जो डेटा सेविंग है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा और आपके फ़ोन पर बहुत कम इंटरनेट यहाँ पे YouTube में ख़त्म होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।